We want justice. We want justice. We want justice. Corner stop. Stop karo. 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 We want justice. 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 We want लिस्ट मंजर आम पर आया है। उस वक्त में हमने भी चिल्लाया कि इसमें धांधली हो गई है, लेकिन हम रिसेंटली गवर्नर साहब से मिले हैं और गवर्नर साहब ने हमें एक आश्वासन दिया है कि आने वाले दिनों में मैं इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लूँगा, जो भी इसमें कॉल्पोरेटर्स होंगे हम उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएंगे। और हमें तब हमें उम्मीद की किरण जागी जब PSI और JEE और SI में लिस्ट स्क्रैप हो गया है। हम गवर्नर साहब के बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं और यहाँ पर जो भाजपा है हम उसके भी बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं, क्योंकि उन्होंने वो लिस्ट स्क्रैप किए हैं क्योंकि उसमें धांधली हो गई है। लेकिन अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे 370 आर्टिकल यहाँ पे ख़त्म कर दिया, यहाँ पे स्टेट से यूटी बना दी गई है, क्योंकि उन्होंने कहा कि यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ है, ये भाजपा ने कहा। हम भाजपा से ये सवाल करते हैं कि 370 हटने के बाद जब आपने जम्मू कश्मीर के यूथ के एक वादा किया, एक प्रॉमिस दिया गया कि यहाँ पे कोई करप्शन नहीं होगी, 370 हटने के बाद पहला लिस्ट मंजर आम पर आया वेलफेयर सर्विस, वो मदर ऑफ ऑल स्कैम्स है। एक ही बाप, आपने मैम अभी देखे है, एक ही बाप के चार चार बेटे हैं, एक ही बाप के तीन बेटे हैं, एक ही परिवार से है, ये ब्लड रिलेशनशिप में नेपोटिज्म फेवरेटिज्म करप्शन है, ये बिल्कुल ये कतन मतलब बर्दाश्त नहीं होगा कि इसमें इतना बड़ी धांधली पाई गई है। हम गवर्नर साहब से मोदी बना गुजारिश करते हैं क्योंकि उसने हमने उसको पहले फाइल दिया है, उसने कहा कि मेरे संज्ञान में ये पहली दफ़ा आया है। अगर गवर्नर साहब के पहली दफ़ा ये संज्ञान में आया, गवर्नर साहब हम जम्मू कश्मीर के यूथ अभी इसी इंतज़ार में है कि आप ट्वीट कब करोगे, जब वो ट्वीट करेगा तब हम अपने घरों में बैठेंगे। देखिए हम श्रीनगर से यहाँ पे आए, कुपवाड़ा से आए, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से यहाँ पे आए, हम अपना हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं गवर्नर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो हमने एग्ज़ाम दिए चाहे SI में चाहे जितने भी एग्ज़ाम दिए, गवर्नमेंट नौकरी दे रही है, लेकिन वो तो खुद इसमें इन्वॉल्व होते हैं। पहले वो पेपर लीकेज करती है, उन्होंने एक गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बिजनेस बना दिया जम्मू कश्मीर में, ये हम उसके खिलाफ है। हम ये कहना चाहते हैं भाजपा से कि मेहरबानी बराई करम इस पर 3 मेंबर की कमेटी बिठाए, अनाउंसमेंट कीजिए, ये पब्लिक डोमेन में लाइए, जो इसमें कॉल्पोरेट्स होंगे चाहे वो कितने बड़े ऑफिसर क्यों ना हो उनके खिलाफ FIR लगना चाहिए, वो भी सलाखों के पीछे धकेल देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारा 2013 से 2022 तक उन्होंने टाइम हमारा वेस्ट किया है। हम जाए तो जाए कहाँ, हमने 3 बार फिजिकल कॉल पे की है, 3 बार एग्ज़ाम दिए, हम और कितने बार एग्ज़ाम देंगे। बार धांधली पाई गई है इसमें, वो हम यही चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से लास्ट पे गवर्नर साहब आप अनाउंसमेंट कीजिए, इस पर 3 मेंबर की कमेटी बिठाइए और इस दूध का दूर और पानी का पानी हो जाएगा। मैं जी देखो जो 2000 उसने एफिडेविट वो कोई भी सब होगा उसके लिए तैयार है, तो हम उनके साथ मिले, उन्होंने कहा कि जल्द उस पर एक्शन लिया जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी 1.5 महीना हो गया, अभी 2 महीने, डेट्स वाई वी केम अगेन हियर। तो हम यहाँ पे इसलिए आए ताकि कन्वे करना चाहता है जैसे जल्द जो है इसको सॉल्व करें और जो भी कॉर्पोरेशन डेट्स वेरी अनफॉर्चुनेट मैडम कि 1.5 महीना हो गया और इतना क्लियर एंड क्लियर क्रिस्ट है ये कि हमारे पास आई विटनेस का फोटो है हाउस बोट में, हमारे पास बैनर भी है और ये फाइल भी है, आप देख सकते हैं, अगर बताएंगे तो मैं फोटोग्राफी।